नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7 की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी ऊंचाई एच रेखा के समान दी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि ए बी आपके लाइन ले लेनी है, ए बी, और इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी लाइन दे देनी है। उसके बाद आपने हाइट लेनी है एच, एच हाइट जो कि आपको दी गई है। उसके बाद क्या करना है, इस ए बी लाइन पे हमने यहाँ सेंटर में जैसे हमने बिंदु पी ले लिया और बिंदु पी से हमने लंब उठाना है। तो लंब उठाने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु पी पे हम जो है प्रकार द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जैसे कि हम लंब उठाते हैं। तो हमने यहाँ प्रकार रखी और पहली जो चाप होती है हमारी वो होती है 60 डिग्री की और जो दूसरी होती है वो होती है 120 डिग्री की। तो इस तरह से मैंने ये चाप लगा दी है और आपको पता होगा आपने पहले भी जो है एंगल बनाए होंगे 90 डिग्री के, तो वैसे या लंब उठाए या गिराए होंगे, तो इस तरह से आपने यहाँ पर भी करना है। तो जो ये आपका बिंदु जहाँ पर दोनों चापें कट रही है वो बिंदु हमने आर इसका नाम दे दिया। अब बिंदु R को P के साथ मिलाते हुए हमने आगे बढ़ाना है और ये लाइन जो है वो आपकी डॉटेड लाइन आएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको पास H दी गई है, हाइट दी गई है, ठीक है, उसके बाद आपने प्रकार इतनी खोलनी है हेड के बराबर और बिंदु P पे रखना है और इस तरह से इसको लाइन को कट करना है। जो आपकी जो लंब जो आपने खींचा था उसको काट दी है बिंदु सी पे, उसका नाम दे दिया बिंदु सी। अब क्या करना है, आपने बिंदु सी पे हमने अंदर की तरफ 30 डिग्री के एंगल बनाने हैं। बिंदु सी पे आपने प्रकार रखनी है और इस तरह से हमने नीचे को चाप लगानी है। इस तरह से हमने दोनों तरफ जो है वो चाप लगा दी है इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो ये रेखा है जहाँ पे कट रही है ये चाप इधर, यहाँ से हमने एक चाप इधर को लगाई और दूसरी चाप हमने यहाँ से इस साइड को लगा लेना है और वैसे ही इस चाप को हमने आगे बढ़ा देना है। मतलब इसी चाप को मैंने यूं बढ़ाया और वैसे ही मैं यहाँ से जो ये वाली चाप है उसको भी मैं इसको इस तरह से इसको आगे बढ़ा दूंगी और इस चाप को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। जैसे आप जो है 30 डिग्री का एंगल बनाते हो सेम आपने वैसे ही बनाना है और ये यहाँ पर कट रही है और वैसे ही यहाँ पर भी जो है यहाँ पर इसको आपने काट देना है। अब क्या करना है, एक यहाँ पे भी कट रही है, इस जो दोनों रेखा यहाँ पे कट रही है इसको हमने नाम दे दिया बिंदु ई और जहाँ पे ये कट रही है इसको नाम हमने दे दिया बिंदु डी। अब बिंदु डी को सी से मिलाना है और ई को भी हमने सी से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम बिंदु ई को सी के साथ मिला लेंगे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे और इस तरह से, और हमने ये इसकी लाइन हमने डार्क करनी है क्योंकि ये उत्तर की लाइन है, तो इस तरह से ये डार्क आ जाएगी और इसको नाम दे दिया हमने ए। उसी तरह से हमने बिंदु सी से जो है बिंदु डी को आगे बढ़ा देना है मिलाते हुए और ये यहाँ पे ए बी रेखा को बिंदु बी पे, कैपिटल बी पे कट करेगी। तो इस तरह से ये आपका बन गया है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज बन गया है जिसकी हाइट जो है वो एच रेखा के समान दी गई है।